हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे मैं हूं हसन आप लोग दे रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तो आज के व्लॉग में आप लोगों को लेकर जाने वालों अपने सबसे बड़े मामू के घर जिन्होंने हमारी दावत की और हमारी इफ्तारी की है पूरा खानदान आएगा मेरे बहुत ज्यादा कजन आएंगे हम लोग भाई काफी ज्यादा इंजॉय करेंगे आप लोगों को पूरा ब्लॉग दिखाएंगे उम्मीद है आप लोगों को हमारा ब्लॉग काफी पसंद आएगा तो प्लीज़ आप कह तक वॉच करें उम्मीद है आप लोगों को का काफ़ी पसंद आएगा और मेरा आप लोग आप लोगों को जरा सा पसंद को लाइक करके ज़रा सा हम लोगों साथ शेयर कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बेलैकन कॉल पे प्रेस कर दें और अभी जाने वालों अपने मामू के घर मेरे साथ एंड तक बनिए रहेगा और आप लोगों ने कितने रोजा रखे मुझे कमेंट में जरूर बताना और ईद की तैयारी किस किस की हो गई है मेरी तो हो गई अलमदुल्ल अभी मैं जाने वाला वालों आप लोग देश रहे मैं पूरा तैयार हो गया हूँ अभी भाई जाके शूज़ पहन के चले जाऊँ अपने मामू के घर आप लोगों को वहां पर जाके मिलेंगे तो वो एंड तक देखें इंजॉय करें आ जाए काफ़ी सफर तय करने के बाद मैं अपने मामू के घर पहुंच चुका हूं आप लोग ये देख सकते हैं दस्तरखान लग गया है ये मेरी कज़न बैठी है अभी मेरी फैमिली मेम्बर सारे आ जाएंगे तो आप लोगों को अपने कज़न से भी मैं मिलवाऊंगा ये दस्तर ख़ान लग चुके हैं नीचे प्लेटेंगे आप लोग देख सकते हैं ये मेरे मामू अभी न्यू अपना घर बिल्ड कर रहे हैं न्यू बना रहे हैं दोबारा से तो आप लोगों को पूरे घर का व्यू भी करवाएंगे उम्मीद है आप लोगों को काफी ज्यादा घर भी पसंद आएगा आप लोग देख सकते हैं कितना हरा भरा और खूबसूरत है आप लोगों को इस घर की मैं दूसरी साइड दिखाता हूँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्यारा घर बनाया है मेरे मामू ने आप लोगों को उस तरफ से ही दिखाते हैं आ जाए चलो आ जाएँ अभी आप लोग हम लोग ये दूसरी साइड पे आ चुके हैं आप लोग देख सकते हैं क्या ही खूबसूरत और प्यारी साइड है वो सामने की तरफ सात रंग की दीवार बनाई हुई है ये देख सकते हैं आप लोग पूरा दस्तर खान के अभी हम लोग बाहर की साइड पे आ चुके हैं ये मेरे मामू की गाड़ी खड़ी है और ये देख सकते हैं आप लोगों से बाहर से अभी ये आमिर हो रहा है बन रहा है अभी बहुत जल्द बन जाएगा आप लोगों को इसके घर का भी पूरा व्यू करवाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे और अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ पर बैठ के हमने इफ्तारी करनी और अभी मैं वापस से घर में आ चुका हूँ ये देख सकते हैं मेरी ये चाचू की शहजादी है नीचे और ये मेरी कज़न है खाला की बेटी मीरहा जिसका नाम है और ये हुन है इसने चेक करें कि बैग कैसे पकड़ा हुआ है माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारी है और अभी आप लोगों को मैं अपने और भी कज़न से मिलवाऊँगा ये तो मेरी भतीजी है अभी आप लोगों को मेरे और भी कज़न से मिलवाऊँगा जो पास ही खड़े आ जाएँ प्यार चेक करें इन दोनों का आपस में ईद ग और गले आज मिल रही हैं ये छोटी है और ये जो मेरी भतीजी है बड़ी है हालांकि वही मेरी कज़न है अभी और भी कज़न्स आप लोगों को सबसे मिलवाएंगे मेरे साथ एंड तक बढ़िया रहेगा ये मैं हूँ ये मेरे मामू का घर है और ये पहाड़ी हो रही है <laughs> यार एक डायलॉग की वजह से वह वायरल होगी क्या पता मेरा व्लॉग भी वायरल हो जाए तो प्लीज़ जितने भी भाई मेरे वहाँ जहाँ से भी मेरी वीडियो को वाच करें मुझे कमेंट में जरूर अपने सिटी का नाम बताना और ये देखें फाइनली मेरी कज़न इसका नाम अरफा है और ये छोटा जो आप लोग देख सकते हैं ये गूगलू मेरा भतीजा है ये मेरे सबसे बड़े भाई का बेटा इब्राहिम है इसका नाम इब्राहिम है और ये मोटू ये बाकी मेरी कज़न् हैं आयशा फातिमा इमरहा आप लोगों को मैं सबको से मिलाऊंगा मेरे बड़े कजन भी आएंगे वो अभी गांव है तो जब वो आ जाएंगे आप लोगों को उनसे भी मिलवाएंगे ये चेक करें आप लोग वो बंदर अभी आप लोगों को दिखाते हैं ये चेक करें ये मीरहा उसकी वो बनवा दिया ये बंदर इसका ऊपर से हमने उतार दिया चश्मा ये अरफा है और अभी आप लोगों को लेके चलेंगे जहाँ पर हमने यहाँ पर तो अपना हमारी घर की फैमिली ने बैठ के मतलब कि गर्ल्स ने बैठ के यहाँ पर खाना खाना है और लड़कों के लिए लहदा इंतजाम किया मेरे मामू ने तो हम लोग वहाँ पर जाकर नाश्ता करेंगे आप लोग लो, इफ्तारी करेंगे आप लोगों को वहाँ से दिखाएंगे, आ आजें और ये चेक करें मेरे साथ मैचिंग करके मेरे सूट डलवाया मैंने अपने स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है ये आप लोग देख सकते हैं मैचिंग की हुई है हमने और अभी जाने वाला अभी मैं मस्जिद जाने वाला हूँ ये देख सकते हैं आप लोग मैं घर से निकल चुका हूँ ये मोटरसाइकिल खड़े हैं पहले नंबर पे मेरे कज़न का खड़ा है ये मेरे मामू का है जो दरमान में प्राइडर है पास से वन टू फाइव खड़ा था वो मेरा है और साथ ये एक और कज़न का है अभी ये भाई साहब लोग देख सकते हैं मेरे मामू का घर माशा से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारा है अभी ये बनेगा का तामीर हो रहा है अभी ये और ये देख सकते हैं आप लोग मस्जिद में हमारी अफ्तारी की गई है यहाँ पर अफ्तारी में मामू ने इसलिए करवा दी थी ताकि लोग सारे इकट्ठे मिल के कर सकें मस्जिद के लोग भी जो वहाँ पर रहते हैं तक में बैठते हैं तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा माशाला लोग आए हैं और ये मेरे मामू ने रफ्तारी में, में चीज़ें वगैरह बनाई हुई हैं मंगवाई हैं जिसमें पहले नंबर पर पानी है जूस है समोसे पकौड़े वगैरह हैं चावल हैं उसके बाद और क्या क्या है फ्रूट्स हैं काफ़ी ज़्यादा और ऐसी चीज़ों से पूरा दस्तरखान बड़ा भरा पड़ा माशा बस कबुल फरमाए और अभी हम लोग आप लोगों को नमार पढ़ते टाइम भी दिखाएंगे ये चेक कर सकते हैं आप लोग हम लोग मस्जिद में आ गए हैं ये मेरे भाई खड़े हैं ये जो वाइट टोपी में सामने आप लोगों को नजर आ रहे होंगे और ये जो अपना मस्जिद है आप लोगों अंदर से देख सकते हैं ये जिस मस्जिद में हमने अफ्तारी किया है उसी मस्जिद के अंदर से भी हुआ आप लोग ये चेक कर सकते हैं क्या ही खूबसूरत प्यारा व्यू है अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ आप लोगों को सारा दिखाएं यहाँ पर मेरा अभी थोड़ी देर तक कजन आएंगे आप लोगों को उनसे भी मिलवाएंगे तो आप लोगों ने कितने रोजे रखे मुझे कमेंट में जरूर बताना और किस और ईद में की किस किस की तैयारी होगी और क्या क्या पहनोगे ईद में मुझे कमेंट में जरूर बताना और यार प्लीज़ मैं लोग बात कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब पर प्रेस कर दें और अभी मेरे कज़न आ जाएंगे आप लोगों को उनसे भी मिलवाएंगे ये देख चेक कर सकते हैं आप लोग बच्चे वगैरह अभी बाहर ही घूम रहे हैं नमाज का टाइम नहीं हुआ हम लोग वजू वगैरह करके बना के आ चुके हैं अभी हम आम आएंगे तो नमाज़ पढ़ेंगे और ये चेक करें मेरे कज़न्स आ गए हैं हारिस ये जो ब्लैक सूट वाला ये हारिस है ये कज़न बहुत अच्छा और ये साइन ये मैं खुद हूँ आप लोग तो देख सकते हैं काफी अंधेरा हो गया इसलिए थोड़ा सा ना कैमरा साफ नहीं रहा वो मुझे कह रहा था कैमरा बंद कर यार और उसके बाद अभी फाइनली गाइस मैं अपने घर वापस आ चुका हूँ उम्मीद है आप लोगों को, को आज का मेरा व्लॉग काफी ज़्यादा पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा अगर आप लोगों को मेरा जरा सा भी व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ मेरे कमेंट में, में जरूर बताना और कल को ईद है सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक कल का भी आप लोगों को व्लॉग बहुत जल्द मिल जाएगा आप लोगों को किस कंटेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताना तो प्लीज़ यार मेरी इसी कोशिश के लिए अगर आप लोगों को मेरा जरा सा भी व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कर दें जैसे लोगों से करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें तो मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा